नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पंचायत चुनाव हो रहे हैं आज, और आज ही बहुत बड़ा पर्व है जीतिया का। जी हां, महिलाओं के लिए बड़ा पर्व है आज। वो निर्जला व्रत करती हैं, एक बूंद पानी भी नहीं पीना होता है। इसके बावजूद पंचायत चुनाव का जो आपको दृश्य दिखाएंगे, कई जिलों से हमारे पास आई है ये तस्वीरें, बेगूसराय हो या फिर गोपालगंज हो, आप तस्वीरें देखेंगे, या फिर पटना से भी हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं वहाँ देखेंगे तो महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं पंचायत चुनाव में। और पहले चरण में जो मतदान हुए थे उसमें भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी पुरुषों की अपेक्षा। तो महिला जो है गांव की सरकार बनाने में आगे हैं। जी हाँ, और आज जीतिया के पर्व के मौके पर जब वो निर्जला व्रत कर रही हैं, तो ऐसे मौके पर भी वो वोट देने से पीछे नहीं हटी है। सुबह से ही जो तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आपको कई जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना की, बेगूसराय की, गोपालगंज की, आप ये तस्वीरें देखिए। और इस बीच आपको एक और ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आपको सैल्यूट करने का दिल करेगा, और कहा जाएगा कि लोकतंत्र का महापर्व, लोकतंत्र का जो है महापर्व, इसीलिए गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है। लोगों के लिए ये जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ये एक नजीर बनेगी, और ये जो तस्वीर है लोगों के लिए प्रेरणादायी होगी कि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो ऐसे देश में अगर मौका है वोटिंग करने का तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत लोग जो वोट नहीं देते हैं उनके लिए ये तस्वीर जो है एक नज़ीर बनेगी, एक उदाहरण बनेगा। जी हाँ, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर गोपालगंज से जो आई है हमारे पास, और गोपालगंज से जो तस्वीर आई है उसमें 110 साल की महिला को आप देख सकते हैं वोट देने के लिए वो पहुंची हैं। गांव की सरकार बनानी है तो 110 साल की बूढ़ी अम्मा जो हैं वो वोट देने पहुंच गई। और कैसे पहुंची और उसके बाद, वो तो सही है कि 110 साल की महिला बूढ़ी अम्मा जो हैं वो भी वोट देने के लिए पहुंची। लालमती देवी इनका नाम है, और ये आपको बता रहे हैं कि ये जो खबरें आई हैं ये विजयपुर प्रखंड का ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। विजयपुर में राजकीय मध्य विद्यालय में कई आदर्श केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ ये पहुँची थी। 110 साल की महिला हैं लालमती देवी। तो उसके बाद भी जो तस्वीर आई वो और भी गौरवान्वित करने वाला क्षण है, क्योंकि एक पुलिसकर्मी ने उन्हें गोद में उठा लिया। वो चलने में असमर्थ थी, काफ़ी मुश्किल से चल पा रही थी, तो एक पुलिस वाले ने गोद में उठाकर उन्हें अंदर तक पहुंचाया और उन्हें मतदान की उनकी जो प्रक्रिया है वो पूरी करवाई। ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है, और साथ ही साथ एक सबक देने वाला, एक सीख देने वाला कि 110 साल की महिला जो ठीक से चल भी नहीं सकती हैं वो इस महापर्व में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। ये भारतीय लोकतंत्र का जो महापर्व है कई चरणों में होता है, जो ये सबसे नीचे वाला चरण है अगर कहा जाए, यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत होती है, गांवों से शुरुआत होती है, और फिर विधानसभा लोकसभा के जरिए हम देश में जो है सरकार बनाते हैं। तो ये गाँव की सरकार है, और 110 साल की लालमती देवी ने पहुँच कर वोट देकर लोगों पर, जो खास करके जो युवा हैं, जो वोटर हैं, वो वोट देने अगर नहीं जाते हैं तो लालमती देवी एक उन्हें बड़ा संदेश दे रही हैं। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी ने अपनी ड्यूटी में मुस्तैदी से जिस तरह से दिखाया है कि महिला को वो गोद में उठाकर ले जा रहा है और वो मतदान की प्रक्रिया पूरी करा रहा है, तो पुलिसकर्मियों का एक चेहरा ये भी है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें पुलिसकर्मी की पिटाई कर रहे हैं लोग, और एक तरफ देखिए ये दूसरा पुलिसकर्मी जिसके जो गौरवान्वित कर रहा है। तो खैर, ये जो तस्वीरें हैं पुलिसकर्मियों के बारे में हम कहना ये चाहेंगे कि पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में तैनात होते हैं, जिनके ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा होता है, वैसे स्थिति में उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। जिस तरह की जो तस्वीरें आई थी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी जिसमें पुलिसकर्मी की पिटाई की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर हम इस पुलिसकर्मियों को सैल्यूट करेंगे जिसने जो अपना कर्तव्य निभाया है बखूबी। तो बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।